किसान अंदोलन था, अज 12वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू के खनौरी बॉर्डर से डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली वाल मार्च करने का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिता है। किसान आगू सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि वह उसी दिन इस बारे फैसला लेंगे। शंभू सरहद से कैंडल मार्च किया जाएगा। खनौरी सरहद से शहीद हुए बठिंडा के नौजवान किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार अजे तक नहीं किया गया। पंजाब सरकार ने परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा से छोटी भैन सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। किसान जथेबंदियों के परिवारों की मांग है कि पंजाब पुलिस इस मामले के कतल की FIR दर्ज करे। उतें ही बीते कल हरियाणा के किसानों के पुलिस विचाले झड़प हुई सी। किसान हिसार के नारनौन तो खनौरी बॉर्डर जाना चाहते सन। दरअसल अंदोलन लैके किसानों ने खेड़ी चौपटा मोर्चे तो खनौरी बॉर्डर जाने का ऐलान किया। इस संबंधी हरियाणा पुलिस ने पहला ही बैरीकेड ला के सारे रस्ते बंद कर दिए। जो किसान खनौरी वाल जाने लगे तो उन्होंने पुलिस के नाल झड़प हो गई। किसान नहीं रुके तो पुलिस ने हंजू गैस के गोले छड़े और उन्होंने लाठीचार्ज तक कर दिता। और इस झड़प के इस दौरान 2 DSP नारनौंद के SHO के खेड़ी चौकी के इंचार्ज समेत दर्जना किसान पुलिस मुलाजम गंभीर रूप जख्मी हो गए। जख्मियों इलाज के लिए वख-वख अस्पतालों के दाखिल करवाया गया। इलाके के माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए हंजू गैस के गोले छड़े। जब किसान धरने वाली थान तो खनौरी बॉर्डर वाल वधन लगे तो पुलिस ने उन्होंने जींद बरवाला रोड से रोकने की कोशिश की। उधर ही किसानों ने पुलिस की एक बस, एक बलैरो और फायर ब्रिगेड की गड्डी की भन तोड़ की। तो पुलिस ने भी किसानों के ट्रैक्टर की भन तोड़ की। उधर ही किसान आगू सुरेश कोठे और कुलदीप खरड़ समेत दर्जना किसानों नू हिरासत दे विच भी लिया गया। किसानों नू बसा च बिठा के थाने ले जाया गया। इस दौरान हरियाणा दे विच हालात तनावपूर्ण बन गए। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।